हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्पीड और ट्रैवल के सेटिंग्स देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम स्पीड और ट्रैवल टैब एक्सप्लोर करेंगे। स्पीड टैब को जब हम ओपन करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। इसमें फर्स्ट है प्रिंट स्पीड। ये ओवरऑल प्रिंटिंग स्पीड की वैल्यू है। इसमें हम अपने प्रिंटर की ऑप्टिमल प्रिंटिंग स्पीड इनपुट करनी होती है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं कि जिससे नीचे वाले वैल्यूज़ जैसे इनफिल स्पीड, वॉल स्पीड, आउटर वॉल स्पीड, इनर वॉल स्पीड, टॉप बॉटम स्पीड एंड ट्रैवल स्पीड भी अपने आप चेंज हो जाते हैं। ये सारे सेटिंग्स कोडिपेंडेंट होते हैं। ट्रैवल स्पीड वो स्पीड होता है जहाँ पर प्रिंटिंग ना हो, बस नोजल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करना होता है। नेक्स्ट है इनिशियल लेयर स्पीड। ये स्पीड प्रिंटिंग की फर्स्ट लेयर की स्पीड होती है। फर्स्ट लेयर में स्कर्ट और ब्रिम भी आते हैं तो सारे इसी इनिशियल लेयर स्पीड से प्रिंट होते हैं। ये नॉर्मल प्रिंटिंग स्पीड से स्लो होता है ताकि फर्स्ट लेयर अच्छे से बेड के ऊपर स्टिक हो जाए। नेक्स्ट है इनिशियल लेयर ट्रैवल स्पीड। ये सेम ट्रैवल मूवमेंट है बट फॉर द फर्स्ट लेयर्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्लोअर लेयर्स। यहाँ पे हम इनपुट करते हैं कि हमें कितने स्लोअर लेयर्स चाहिए। इन लेयर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली स्पीड अप होता है ताकि बेड एडिशन बना रहे। प्रिंटर्स को जब हम देखते हैं उस पर मैक्स प्रिंटिंग स्पीड्स भी मेंशन होता है, नॉर्मली 200 टू 250 मिलीमीटर पर सेकेंड्स। हम चाहिए तो इन स्पीड्स पर प्रिंट कर सकते हैं बट स्पीड बढ़ाने की वजह से सारे मूवमेंट्स फास्ट हो जाते हैं एंड प्रिंट हेड और बिल्ड प्लेट को इन फास्ट स्पीड पर कंट्रोल में रखना और एक्यूरेसी मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नेक्स्ट सेटिंग्स। इससे हम एक्सेलेरेशन और जर को कंट्रोल कर सकते हैं बट इससे प्रिंट क्वालिटी पर भी अफेक्ट पड़ता है। सो वी रिकमेंड कि इसे डिफॉल्ट ही रखा जाए एंड ये वैल्यूज़ को डिस्टर्ब ना करें अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग विद इट। नेक्स्ट टैब है ट्रैवल का। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एनेबल रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन जिनको नहीं पता, इस सेटिंग से फिलामेंट रिट्रैक्ट होता है यानी रिवर्स आता है। ये फीचर नोजल से प्रेशर कम करने के लिए होता है क्योंकि नोजल जब कोई भी सेक्शन प्रिंट होने के बाद जब दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करता है तब अगर फिलामेंट प्रेशर बना रहेगा तो मटेरियल ऊजिंग होता है और स्ट्रिंगिंग क्रिएट होती है। सो इसीलिए स्ट्रिंगिंग को मिनिमाइज करने के लिए रिट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ये मस्ट है फॉर फ्लेक्सिबल फिलामेंट्स। एनेबल रिट्रैक्शन ऑन करने के बाद रिट्रैक्शन सेटिंग्स विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट है रिट्रैक्ट एट लेयर चेंज। ये अगर सिलेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी टाइम लास्ट लेयर जहाँ पर ख़त्म होता है नेक्स्ट लेयर वहीं से शुरू होता है तो रिट्रैक्ट एंड फिर से एक्सट्रैक्ट करने में टाइम वेस्ट होगा। बट यू कैन यूज़ दिस अगर आपका नेक्स्ट लेयर सेम पॉइंट से नहीं स्टार्ट होता। नेक्स्ट है रिट्रैक्शन डिस्टेंस। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि फिलामेंट जितना रिट्रैक्ट होता है तो फिर से फिलामेंट को फीड भी करना होता है तो ये वैल्यू हम बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते। एक ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए जिससे जस्ट प्रेशर डिक्रीज हो फ्रॉम नोजल चेंबर। इस सेटिंग की वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है फॉर सिलेक्टेड फिलामेंट प्रोफाइल्स। नेक्स्ट है रिट्रैक्शन स्पीड। ये स्पीड रिट्रैक्शन या प्राइमिंग दोनों के लिए यूज़ होता है, मतलब किस स्पीड से फिलामेंट को रिवर्स आएगा और किस स्पीड से फिलामेंट को लोड किया जाएगा। इसके बाद के सारे सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रखना बेटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोम्बिंग मोड। ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है टू रिड्यूस रिट्रैक्शन एंड स्ट्रिंगिंग। इस सेटिंग से नोजल एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है अलॉन्ग द प्रिंट। इस ड्रॉपडाउन में पहला ऑप्शन है ऑफ। इससे कोम्बिंग ऑफ होता है एंड नोजल टेक्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स ड्यूरिंग प्रिंटिंग। इस टाइम स्ट्रिंगिंग क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। एंड सेकेंड है ऑल। ये ऑफ का ऑपोजिट है एंड इसमें नोजल प्रिंट एरिया के बाहर नहीं आता जिससे स्ट्रिंगिंग के चांसेस भी नहीं होते। इससे प्रिंट टाइम में भी काफ़ी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है नॉट ऑन आउटर सरफेस। इससे नोजल प्रिंट के आउटर मोस्ट पार्ट पर ट्रैवल नहीं करता बट और किसी भी पार्ट पर ट्रैवल करता है तो इससे आउटर सरफेस स्मूथ होगा बट अंडर वाले वॉल्स पर स्ट्रिंगिंग विजिबल होता है। नेक्स्ट है नॉट इन स्किन। इस ऑप्शन से नोजल अलोंग द वॉल्स मूव होता है सो आपको प्रिंट के वॉल पे इरेगुलरिटीज दिख सकती है।
नेक्स्ट है विद इन इनफिल। इस ऑप्शन से नोजल प्रिंट के अंदर ही ट्रैवल होता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर विजिबली गुड लुकिंग प्रिंट चाहिए विदाउट मच श्रिंकिंग, बट इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके आगे की सेटिंग्स हम डिफॉल्ट ही रखेंगे और इसमें लास्ट है जी हॉप व्हेन रिट्रैक्टेड। ये सेटिंग से जब भी रिट्रैक्शन होता है एंड नोजल सेकेंड पॉइंट पर मूव होता है तो बेड थोड़ा सा नीचे मूव होता है क्रिएटिंग अ गैप सो दैट नोजल का प्रिंट से कॉन्टैक्ट नहीं होता। अगर प्रिंट बेड से अच्छे से स्टिक ना हो तो हो सकता है कि नोजल टकराने की वजह से प्रिंट बेड पे अनस्टिक हो जाए एंड प्रिंट फेल हो जाए। तो इस ऑप्शन से काफ़ी यूज़ होता है टू अवॉइड प्रिंट फेलियर्स। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।